शुरुआत करें इससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। खस्ता हाल हो गई शहर की सड़कें, सुरक्षा इंतजाम में जुटा प्रशासन, बाइक स्लिप होने से मौत। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। स्मार्ट सिटी बनने की ओर अग्रसर नागपुर की सड़कें खस्ता हाल हो रही है। बारिश ने सड़कों की मजबूती की जैसे कलाई खोल दी हो, इनसे गुजरते वक्त हिचकोले खाना आम बात हो गई है। उपराजधानी की सड़कों को बेहतर बनाने के लिए लंबे समय से कोई ध्यान नहीं दिया गया है। लिपापोती के लिए पैच वर्क कराए जाते हैं, लेकिन इससे भी बेहद घटिया ढंग से काम होने के चलते परतें उखड़ चुकी है। फ्लाईओवर, मेट्रो और आरयूबी आदि के कार्य होने के बाद पुलों के नीचे की सड़कें मरम्मत नहीं की गई है। वर्धा रोड पर अजनी से एयरपोर्ट तक डबल डेकर के नीचे वाली सड़क इस उदासीनता की मिसाल बनी हुई है। इस मार्ग पर सड़क सुधार नहीं किए जाने और गड्ढों को जस का तस छोड़ दिए जाने के चलते हादसों का खतरा बढ़ गया है। कुछ ऐसा ही नजारा कामठी रोड में कछुआ चौल से निर्माणाधीन डबल डेकर पुल का भी है। यहां सड़कें का रखरखाव करने में भारी कोताही बरती जा रही है। दूसरी खबर, डीआईडीओ द्वारा डिजाइन किए गए मल्टी मोड हैंड ग्रेनेड की पहली खेप तैयार हो चुकी है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत ग्रेनेड बनाने का कॉन्ट्रैक्ट नागपुर के इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव कंपनी को सौंपा गया था। मंगलवार की दोपहर औपचारिक कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के हाथों सेना को हैंड ग्रेनेड सौंपे जाएंगे। सुबह 10:40 पर सिंह का आगमन नागपुर एयरपोर्ट पर होगा। वैसे तो उनका पूरा दौरा हेलीकॉप्टर से ही होना है, लेकिन प्रशासन सुरक्षा इंतजाम में जुट गया है। EEL में होने वाले कार्यक्रम के बाद वे DRDI बोरखेड़ी का जायजा लेंगे। तीसरी खबर, लकड़गंज थाना क्षेत्र में बाइक स्लिप होने से एक किशोर की मौत हो गई। मृतक प्रीतम कॉम्प्लेक्स सुदर्शन नगर निवासी आलोक दीपक समुद्रे बताया जा रहा है। रविवार की रात 8:30 के दौरान आलोक अपनी बाइक पर चचेरे भाई प्रिंस के साथ घूमने निकला था। स्पीड में होने के कारण दानागंज चौक पर संतुलन बिगड़ गया, बाइक स्लिप हो गई और दोनों गिरकर जख्मी हो गए। आलोक को गंभीर चोट लगने के कारण अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर ने जांच करते ही उसे मृत घोषित कर दिया। लकड़गंज पुलिस ने आकस्मिक मृत्यु का मामला दर्ज किया है, जांच आरंभ है। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर MNS हिंदी लिखे और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उस पर रोजाना खबरें देख सकते हैं। लाइक इन हाइक ट्विटर इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। अब आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इससे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब वक्त हो चला है ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश और दुनिया की तमाम देश की राजनीति पर होगी आपकी मुझसे सीधी बात। देश की आम जनता जुड़ेगी मेरे साथ। हर गली की राजनीति पर होगी हमारी बात। आपके नगर सेवक से लेकर सांसद तक से होगी चर्चा, जिसमें विकासात्मक कार्य और उनके द्वारा किया गया भ्रष्टाचार दोनों पहलुओं पर होगी बात। मेरे साथ मेरे प्रोग्राम में आप भी जुड़ सकते हैं मेरे साथ। सरकार से सीधी बात दोपहर 2:00 बजे